लक्ष्मीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज एक साधना बताने जा रहा हूँ जो थोड़ा विचित्र है लेकिन आप लोगों के बहुत उपयोग का है। 10 महाविद्या में मातांगी, मातांगी भगवती कौन है? मातांगी भगवती को माना जाता है कि माँ सरस्वती का जो तांत्रिक फॉर्म है वो मातांगी भगवती है। आम तौर पर मातांगी भगवती की साधना कौन करता है? मातांगी भगवती की साधना वो करता है जिसको अल्प समय में ज्ञान अर्जन करना हो, संगीत विशारद होना हो, है ना, कोई बहुत क्रिएटिव काम करना हो, ऐसे लोग मातांगी की साधना करते हैं। हम लोग अघोर मार्ग में जब सरस्वती की तीव्र साधना करनी हो तो नील तारा की साधना करते हैं। ऐम ओम ह्रीम नील तारा क्लीम हुम फट इस मंत्र से। इसके अलावा और भी कई बीजाक्षर हैं जिससे मैंने आप लोगों को नील तारा का साधना बताया है। आज जो मैं साधना आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ ये मातांगी भगवती की साधना, मतलब सरस्वती का तांत्रिक फॉर्म मातांगी, ठीक है। इस साधना में सिर्फ ये अंतर है कि क्योंकि ये तीव्र साधना है, देखो ये तीव्र साधना होते हुए भी इसको गृहस्थ कर सकते हैं, और इस साधना का जीवन के चार कालखंड में आप चार बार प्रयोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा इसका प्रयोग वर्जित है, ठीक है। इस साधना का प्रयोग क्यों करते हैं? इस साधना का प्रयोग हम तब करते हैं जब जीवन में कोई ऐसा एक मनोरथ हो जिसके चलते जीवन की गाड़ी रुक रही हो, या माया के वश में आप पूरे वशीभूत हो चुके हैं, उससे बाहर नहीं निकल रहे हो। ज्ञान संन्यास ये कहता है कि अगर माया किसी चीज़ में आपको फंसा दे, आपका मन उस वस्तु के अलावा कहीं नहीं लग रहा हो, तो जब तक आप उस वस्तु को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक आप आध्यात्मिक तौर पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक कथा थी जहाँ पर एक गुरु जो मृत्युशैया पे लेटा था वो अपने शिष्यों को तरह तरह के प्रवचन देता था। तो गुरु ने एक आम का पेड़ लगा कर रखा था अपने बागीचे में, और उसको इंतज़ार था कि आम का फल पके और फिर वो उस आम को खा ले, ठीक है। लेकिन विधाता को कुछ और मंजूर था और गुरु आम के मौसम से पहले ही अपने शरीर को उनको त्यागना पड़ा। फिर वो गुरु एक चिड़िया के रूप में उन्होंने जन्म लिया और वो आम खाने लगे। तो जो चेले थे उनका अपना भाव था, उनको पता था कि गुरु जो है हमारे वो इस आम को खाना चाहते थे, तो वो चिड़िया को मार के भगाने लगे। उनका था कि ये आम जो पका है ये सबसे पहले गुरु के पादुका पे, गुरु के तस्वीर पर या गुरु के नाम पे हम कहीं दे आएंगे। तो फिर उनको ये आभास हुआ कि ये जो छोटी छोटा सा पक्षी उस आम पर आके बैठा हुआ जो चोंच मार रहा है वही उनका गुरु है। तो पता चला कि इतने आध्यात्मिक ज्ञान के बाद, इतना उन्होंने आत्मबोध करने के बाद, अंतिम क्षण में जो एक लोभ रह गया मन में, एक मनोरथ रह गया मन में, उसकी पूर्ति के लिए उनको फिर से इस जीवन में वापस आना पड़ा, वो भी एक चिड़िया के भेष में। तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए तांत्रोक्तर विधि में एक मनोरथ साधना दी हुई है। ये माता की साधना है, इसको भैरव जी ने माँ पार्वती को बताया था, ठीक है। ऐसे तो महादेव माँ पार्वती का प्रसंग सुनेंगे, महादेव गौरा का प्रसंग सुनेंगे, भैरव भैरवी का प्रसंग सुनेंगे, ये एक प्रसंग ऐसा था जिसको भैरव बाबा ने माता पार्वती को बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, ये पूर्ण रूप से तांत्रिक साधना है। इसमें भोग, जैसे कि कल मैं आप लोगों को बता रहा था, भोग देना भी एक तरह से बलि प्रदान होता है। तो इसमें जो भोग पड़ता है वो पड़ता है खीर का और मांस का, ठीक है। ये साधना होगी किसी भी चौराहे पे, चौराहे पे जब साधना होगी तो आप ये मत समझना कि जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत में जो चौक बने होते हैं उस पे आप जाके ये साधना कर सकते हैं। चौराहा जब भी माना जाता है तंत्र विधि में तो वो पगडंडी होती है, और जो पगडंडी होती है वो अगर जंगल में हो, जो मतलब मनुष्यों से विहीन इलाका हो, तो वो सबसे उत्तम होता है। सबसे पहले फूल
घी का दीपक, धूप, चंदन, ठीक है, इन सब चीज़ों से नवेद के साथ देवी की पंच पूजा करें, मतलब भगवती मातांगी का हृदय में ध्यान करें, उनका स्वरूप आपके सामने है, ठीक है, तो भगवती मातांगी का स्वर्ण आसन पर बैठी हुई हृदय में आपके विराजमान है, हाथ में बीना है, कमल है, पाश है, अभय मुद्रा है, विजय रथ है, ये सब के साथ भगवती आपके हृदय में है, ऐसा मानते हुए सामने पुष्प आप देंगे कि भगवती देवी मातांगी नमोस्तुते, पुष्पम समर्पयामी, दीपम दृश्यामी, धूपम समर्पयामी, नैवेद्यम निवेद्यामी, ठीक है, गंधम समर्पयामी, ऐसा आप पूजा कर लेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद नवेद के रूप में या बलि स्वरूप आप खीर और मांस का भोग देंगे, ठीक है, और फिर मंत्र का जाप करेंगे। क्या है मंत्र? मंत्र है ओम श्रीम छिम लोहम मुचम किली किली अमुकम काट्य काट्य मातांगिनी स्वाहा। क्या है मंत्र? ओम श्रीम छिम लोहम मुखम किली किली अमुकम काट्य काट्य मातांगिनी स्वाहा, ठीक है। इसका आपको अमावस्या से शुरू करके निरंतर इस विधान को करते जाना है, ठीक है। जिस समय आप इस विधान को शुरू करेंगे उस समय संकल्प ले लेंगे कि मेरा ये मनोरथ है, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, और अपने जीवन का इस कार्य के चलते मैं अपने जीवन में तथस्थ हो चुका हूँ, मैं रुक चुका हूँ, तो आपसे ऐसा अनुरोध है कि इसकी पूर्ति करके मुझे जीवन में और कालचक्र में आगे बढ़ें, ठीक है। जब ये आप रोज़ करेंगे तो एक अच्छे साधक को 7 दिन में इसका आभास और अनुभूति हो जाती है, और जो नए साधक हैं हो सकता है कि उनको एक बार में ना हो, तो 7-7 दिन करके वो 3 बार 4 बार इसको करेंगे। सिद्धि हुई ये कैसे पता चलेगा? जिस वीराने में आप इस साधना को करेंगे उस वीराने में आपको अचानक कोई मनुष्य दिखेगा, और वो मनुष्य दिव्य कांति से और ओजस से भरपूर होगा, मतलब आप जब उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप के आसपास कोई आम जनमानस नहीं बल्कि कोई दिव्य पुरुष है। जब आपको ऐसा कोई दिखाई दे दे तो आप समझ लेना कि आपका जो मनोरथ है वो सिद्ध हो गया है। देखो, अब इस मंत्र में अमुक भी है, काट्य काट्य भी है, ठीक है, तो इसको इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना है कि ये मंत्र किसी के मारन के लिए है या अमुक के जगह मुझे कोई और नाम लगाना है, ठीक है। सिर्फ जो मंत्र दिया है इसको इसी तरीके से आपको जाप करते रहना है, ठीक है। इस मंत्र को रात्रि में भी जाप कर सकते हैं या फिर सूर्योदय से ठीक पहले जाप कर सकते हैं। इसका जो भोग है जो आप चढ़ाएंगे, इसको जाप करने के बाद जब आप उठते हैं तो आपको वापस पलट कर भी नहीं देखना है कि भोग का भक्षण हुआ है कि नहीं हुआ है। थोड़ा तो क्योंकि जंगल में साधना होगी या फिर निर्जन स्थान पर साधना होगी तो डर भय लग सकता है, तो साधना शुरू करने से पहले अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो उससे आप घेरा डाल सकते हैं, क्योंकि निम्न शक्ति की साधना नहीं है, इसीलिए आपके घेरा डालने के बाद भी शक्ति अगर आपसे प्रसन्न होगी तो वो ज़रूर आपको दर्शन दे देगी। आज के लिए इतना ही। जीवन में अगर कोई ऐसा मनोरथ है जिसकी पूर्ति आप चाहते हैं तो इस साधना को एक बार आप करके देख सकते हैं। अगर माया आपको चारों तरफ से लपेट चुकी है और अब आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है तो ये साधना आपके लिए है। आज के लिए इतना ही। जिनको साधना में आगे बढ़ना है, जिनको सीखना है कि साधना कैसे करते हैं, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नंबर है 9431188585। इसको बेसिक साधना ग्रुप कहते हैं। इसमें साधना के शुरुआती समय में जो आपको आसन बंधन और जो भी मंत्र चाहिए होता है वो मैं आपको बताता हूँ। उसका शिविर होता है जहाँ पर यंत्र मंत्र तंत्र आपको बताते हैं आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाते हैं।
एक वेबसाइट है www.agurtatrahasya.com, इसमें आपको कई अच्छी जानकारियाँ मिल जाएंगी, साधक के लिए बहुत अच्छी हैं, अपलोड होना शुरू हो गया, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें rudranath@cm4 पर जाएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा। माँ भगवती आप लोगों को सुरक्षित रखे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।